तो 400 पार का नारा में आप लोग कहाँ, आप लोग तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ये सर हम लोग कभी नजर आए हैं क्या? हाँ। बीजेपी को जो आज 400 पार की बात करती है, कभी हम लोगों ने उनको उनको नजर आए हैं क्या? एक मिनट सर, एक मिनट, जनता नहीं बोलती है। ये सर एक आदमी बोल रहा है मीडिया ना? नहीं नहीं, जनता उनका कर्ज करता, जनता नहीं बोल रहा, जनता का जनता 100 बार नहीं बोल रहा है, जनता 100 बार भी नहीं। मोदी जी भी तो बोल रहे हैं ना, 400 ला रहे हैं। तो मोदी जी को बोलने से फायदा क्या? जनता मान लेगी, तो जनता है, हम लोग भी बोलने से मोदी जी का एक एक आइए पीछे आपने कहा कि आप 400 पार में एक एक आदमी नहीं है। पिछले बार भी जब लोकसभा हो रहा था तो हमारे बहन जी को बहुजन समाज पार्टी को आंक नहीं रहे थे, लेकिन उसके उस बावजूद भी हम 10 सीट जीते थे। इस बार भी हम लोग बहुत अच्छा सीट लाने जा रहे हैं और बहुत अच्छा रहेगा, रिजल्ट देखिएगा। आप लोग भी खुश होइएगा कि बहन जी ने जो हमारा नेता कैसा होगा, समझ गए। और 400 पार की जो बात है, वो 400 की पार की बात जनता नहीं करती है, वोटर नहीं कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को लोग कर रहे हैं। करने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। किस उम्मीद से ये 400 का नारा लग रहा है, किस उम्मीद से लग रहा है? गांव में बनिया लोग सम्मान बन जाते, कुर्सी बन जाते, दाम बताते हैं 400, 350, अब अंतिम में कितना देते हैं? 150, 100। वही हाल इनका है, ये बेचने जा रहे हैं हमारे बीच में, लेकिन अंतिम में 100-150 मीटर सिमट जाएंगे। बहन जी इस बार पीएम बनेगी, बहन जी पीएम बनेगी, तीसरा मोर्चा, बाकी इनके सामने कोई नहीं टिकने वाला, कोई नहीं है। दूसरी बात है, आपका बीडी राम यहाँ दामाद है, यहाँ दामाद की आवश्यकता नहीं है, पलामू लोकसभा के दामाद है, दामाद की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ये बताइए, सुना जाए सर, और ममता भुइयां यहाँ बेटी हैं, बेटी के ससुराल में शोभा होता है और दामाद को घर में, और अगर बेटा पलामू का कोई बेटा है वह कमेश्वर बैठा है और इनको यहाँ सम्मान मिलेगा। क्या लग रहा है, पलामू के लोग बेटा को मान सम्मान देंगे? भरपूर देंगे, भरपूर देंगे, भरपूर देंगे, भरपूर देंगे, बेटा को मान सम्मान भरपूर देंगे, और बेटी को उसको मान सम्मान ससुराल में मिलेगा, नहीं घर में, यहाँ मान सम्मान मिलेगा, कमेश्वर बेटा को मिलेगा, इस बार वोट मिलेगा तो बेटी को। क्या लग रहा है, बेटी को जो है मान सम्मान देके क्या आप लोग भेज चुके हैं? भेज चुके हैं, बेटी को हम मान सम्मान देंगे, वोट नहीं देंगे, वोट हम बेटा को देंगे। पलामू का बेटा कैसा होगा? 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 18 साल हो गया है ना? हाँ हो गया है, कामेश्वर बैठा ही जीतेंगे इस बार, वोट करेंगे इस बार ना, इस बार ना बेटी जीतेगी ना दामाद जीतेगा, इस बार कामेश्वर बैठा ही जीतेगा। बेटी दामाद को हटा देना है, हटा देना है, उखाड़ देना है, क्या कुछ रहेगा? देखिए पलामू लोकसभा सीट 100 सीट भी दबे कुचले का आवाज है, कमेश्वर बैठा, इन्होंने जो अपना संघर्ष किया है और इनका जो पहचान है, दबे कुचलों को शोषित पीड़ित लोगों के जो है से सामाजिक संरक्षण दिए हैं, मान सम्मान स्वाभिमान के लिए आगे बढ़ करके जो है से क्रांति किए हैं, लड़े हैं, और तो कामेश्वर बैठा नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा? कामेश्वर बैठा को पलामू प्रमंडल में लोग, पलामू लोकसभा क्षेत्र में सभी लोग चाहने वाले हैं, सभी लोग जानने वाले हैं, और ये सभी लोग जानते हैं कि पलामू लोकसभा क्षेत्र में कामेश्वर बैठा ही ऐसा नेता है जो दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के रक्षा के लिए आगे आकर के जो उन्होंने जो एक दिन जो विक्रांति किया है, ताकि आज जो है जो आज जो है दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज जो है से क्या जो है से मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ा है, और अपनी हिम्मत और साहस के साथ आज जो है से सभी समाज के भी समान रूप से खड़ा होने के लिए भी सभी में ताकत आया है। ये कामेश्वर बैठा जी को देन है, तो कामेश्वर बैठा ही इस लोकसभा सीट से जीतेंगे, दूसरा कोई नहीं जीतने वाला है। एनडीए इंडिया अभी तक लोगों की छलने की काम किया है, वोट को जो है लेकर के राज करने के काम किया है, लेकिन हमारे लोग पलामू लोकसभा क्षेत्र के लोग अब जान चुके हैं कि ये सभी ठग बंधन के लोग हैं, ठगने वाले हैं, सत्ता में खाली आने के लिए वोट को जो है से
अपना लाने के झूठ करने के लिए कोशिश करे, कलेक्शन करने के करके जो है वोट लाने का काम करते हैं। ये जो है दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के लिए एसी एसटी ओबीसी अकेलियत के आवाज उठाने के लिए लोग नहीं है, सिर्फ जो सत्ता में आकर के अपना जो है सत्ता सुख भोगने के लिए लोग आते हैं। बीडी राम जो है उस क्षेत्र में इतना विकास किए हैं, वो विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अपने क्षेत्र में आप देख लीजिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के जहाँ तक सांसद की बात है, हाँ, तो अभी आप लोग देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो घर के जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं, हाँ, चूंकि जैसा हमको पता है कि सदर गढ़वा जिला से बिलोंग करते हैं, हाँ, हाँ, और जो हर जगह जाता है, सबसे पहले आपके चैनल को भी पूरे बहुजन समाज पार्टी झारखंड परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है। और बहुजन समाज पार्टी का बात, भारतीय जनता पार्टी का बात अगर आप करते हैं, इसका घर में इतना विरोध है, गढ़वा में 16 प्रखंड के लोग अभी बीडी राम को भगाने के लिए तैयार थे। तो बीडी राम को विकास के, बीडी राम के साथ विकास शब्द का प्रयोग अगर करते हैं तो विकास शब्द का तोहिन हो रहा है। विकास शब्द कहीं बीडी राम के साथ लागू होता ही नहीं। हाँ, अब अपना आगे बताइए। तो क्या लग रहा है कि जो कमेश्वर बैठा जो आपको उम्मीदवार है, कहाँ तक साथ दे सकते हैं पलामू के साथ? लोग बोल रहे हैं जो बेटा है तो बेटा कब तक साथ देगा? देखिए बहुजन समाज पार्टी, आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी संविधान की वकालत करती है, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज को मिला करके चलती है। और जहाँ तक कमेश्वर बैठा के साथ देने की बात है, तो इनका 28 साल का जो जीवन का जो संघर्ष है, आप देखे होंगे कि जिस समय बड़े बड़े लोग बाहर निकल करके डुगी ड्रामा कर रहे थे, उस समय कामेश्वर बैठा जेल में थे और जेल से यही पलामू लोकसभा की धरती सांसद बना करके लोकसभा सीट पर बिठाने का काम किया था। तो बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी जो भवन कुमारी मायावती के द्वारा घोषित जो किया गया है, इसको पूरे बहुजन समाज पार्टी के बाद दमखम से लग करके पलामू लोकसभा की जनता स्वीकार कर चुकी है और इनको सत्ता में बैठाई। क्या लग रहा है पलामू को बेटी सेवा कर सकती है? देखिए पलामू के बेटी सेवा कर सकती है ना, दामाद सेवा कर सकती है। बेटी दामाद सिर्फ यहाँ राजनीति करने के लिए आए हैं, सिर्फ राजनीति करेंगे और यहाँ के समाज के लिए वो जो है से उनका जो कोई चिंता नहीं है। यहाँ के चिंता करने वाले सिर्फ कामेश्वर बैठा है। पलामू लोकसभा, पलामू गढ़वा के जिले के लोग आम आवाम सभी जानते हैं। जीतने के बाद बेटे और दामाद चले जाएंगे? जीतने के बाद चले जाएंगे, वो सिर्फ राजनीति करने के लिए आए हैं, वह सेवा करने की उद्देश्य उनका नहीं है। और देखिए आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि मुझे पता है कि आपका सब्सक्राइबर भी बहुत ज्यादा है, हाँ, और चार पाँच लाख लोग देखते हैं कि लाइक करते हैं, हाँ, हाँ, तो पलामू लोकसभा क्षेत्र के तमाम जनता से मैं एक आह्वान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, हाँ, हाथ जोड़ करके विनती, हाँ, करता हूं, चूंकि मैं राजपूत समाज से आता हूं, क्षत्रिय समाज से, और पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी भी हूं, प्रदेश महासचिव भी हूं जी, और पलामू जोन का इंचार्ज भी हूं, पलामू लोकसभा, चतरा लोकसभा, हजारीबाग लोकसभा। तो मैं इतना लोकसभा के क्षेत्र के बल्कि पूरे झारखंड के क्षत्रिय समाज से मैं यह आह्वान करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, सब लोग एकजुट होकर के, चूंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे क्षत्रिय समाज के साथ धोखा देने का काम किया जी। इस बार जो आपको चतरा से भी एक सीट था, हाँ, हमारे जनरल समाज का वहां भी नहीं दिया, हाँ, और धनबाद में था वहां भी नहीं दिया। तो पूरे मैं क्षत्रिय समाज से, चूंकि मैं डाल्टनगंज भी थोड़ा सा क्षत्रिय समाज लोगों की संख्या यहां पे ज्यादा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से क्षत्रिय समाज के लोगों से, क्षत्रिय समाज का बेटा यह आह्वान करता है कि आप लोग सब एक प्लेटफॉर्म पर होकर के पूरे झारखंड में बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने का काम करें। इस चलते बहुजन समाज पार्टी सदा आपका आभार रहेगा और आपका मान सम्मान का ख्याल।